मैंने जो माइक ऑर्डर करा था वो माइक मेरा आ चुका है, सो उसका भी टेस्टिंग कर लेंगे कैसा है, वॉइस क्वालिटी क्या है। मुझे प्लीज़ इस चीज़ में कंफ्यूजन क्लियर कर देना कि मेरे पहले वाले वॉइस में और अभी वाले वॉइस में क्या चेंजेस आए हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग शुरू हुआ है ऑफिस पर से, जस्ट बिकॉज कल भी मुझे बहुत काम था और आज भी सुबह से ही गाइस काम मिल गया है, सो काम की कमी नहीं है, उसी वजह से ब्लॉग स्टार्ट करना पड़ रहा ऑफिस से ही। और जैसे कि आप देख रहे हो मैं ऑफिस पर हूँ तो मुझे काम बहुत ज़्यादा है, दैट्स व्हाई बस ब्लॉग स्टार्ट करने के लिए मैंने ये छोटा सा क्लिप बना लिया और बाकी का अपडेट थोड़ी देर में देते हूँ अंदर जाके। अभी फिलहाल काम है तो इस काम को ख़त्म करते हैं, उसके बाद अंदर जाएंगे, फ्रेश होंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे, देन वापस ऑफिस आएंगे और फिर दिन का जो भी प्रोग्राम है आपको बताते हैं। और हाँ गाइज, एक ज़रूरी बात, मैंने आप लोगों को बोला था कि माइक मैंने ऑर्डर कर दिया है और मेरा ऑर्डर आ चुका है, सो आज मैं दिन में या फिर शाम में आप लोगों को उसका अनबॉक्सिंग करके दिखा दूंगा और बता दूंगा कैसा है, क्या सीन है उसका और साउंड में क्या डिफरेंस आ रहा है, ये तो आप ही बताओगे मेरा ये व्लॉग देखने के बाद। सो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद अंदर जाने के बाद। ओके गाइज, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून। सो अभी तो हम नहा के रेडी हो चुके हैं और नाश्ता कर रहे हैं, तो चलिए आपको दिखाते हैं आज नाश्ते में क्या है एंड देन नाश्ता करने के बाद मार्केट निकलेंगे, कुछ काम है, क्या काम है अभी नहीं बताएंगे, वो आगे पता चलेगा आपको। सो ब्लॉग में बने रहना, बीच में काट के मत चल जाना कि हाँ देख लिया, फॉर्मेलिटी पूरा कर दिया, अब बंद कर देते हैं। सो मेरे वीडियो में पार्ट बाय पार्ट करके ही सस्पेंस बना रहता है, सो ब्लॉग पूरा देखा करो। अभी फिलहाल दिखाते हैं नाश्ते में क्या बना है। आज नाश्ते में है आलू गोभी की रस्सा वाला सब्जी, मेरी चाय और पराठे। सो मैं तब तक करता हूँ ब्रेकफास्ट। सो अभी तो बज रहा है दोपहर का 12, अभी से ब्रेकफास्ट समझ लो, लंच समझ लो, ब्रंच समझ लो, जो समझो। फिलहाल मैं ब्रेकफास्ट करके निकलूँगा मार्केट एंड देन आप लोगों से मार्केट से आके मिलता हूँ थोड़ी देर के बाद, तब तक के लिए बाय बाय। सो अभी हमारा ब्रेकफास्ट डन हो चुका है और अब चलते हैं सीधा छत पे, और छत पे चल के आप लोग को कुछ बात बतानी है, वो बात बताते हैं। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, मैंने जो माइक ऑर्डर करा था वो माइक मेरा आ चुका है, सो उसका भी टेस्टिंग कर लेंगे कैसा है, वॉइस क्वालिटी क्या है, बाकी बातें ऊपर चल के करते हैं। Back to time. I've been busy running my mouth dry, speaking low. हम आ चुके हैं अपने छत पर और हाँ, छत पे आने के बाद से आप लोगों में से काफी लोगों का कहना होगा, कहना क्या होगा, बहुत से लोगों ने मुझे बोला भी है कि क्या सिर्फ छत पे वीडियो बनाते हो, छत पे छत पे छत पे। तो गाइज मैं क्या करूँ, घर के बाहर या फिर पड़ोसी के घर में जाके वीडियो बना लूँ क्या? अब मेरे पास या तो रूम है या तो छत है, इन्हीं दो जगह पे मैं वीडियो बना सकता हूँ ना। सो इस बात को यहीं पे ख़त्म करते हूँ। और ये रहा मेरा माइक, बोया का माइक। तो अभी ये मेरी जो आवाज़ आ रही है आप लोगों को, ये बिना माइक के यूज़ किए, और इसके बाद से जो आवाज़ आएगी वो माइक के साथ होगी। सो प्लीज़ दोनों में वॉइस क्वालिटी का डिफरेंस क्या है मुझे ज़रूर बताना। आप लोग को बताया कि अभी इसके पहले तक की मेरी जो भी वीडियो थी वो बिना माइक के यूज़ की थी, और अभी से जो वीडियो बन रही है ये माइक के यूज़ के साथ है, आप देख सकते हो। तो मुझे प्लीज़ इस चीज़ में कंफ्यूजन क्लियर कर देना कि मेरे पहले वाले वॉइस में और अभी वाले वॉइस में क्या चेंजेस आए हैं, मतलब मेरे वॉइस में क्लियरिटी आई है या फिर पहले की तरह ही आ रही है, क्योंकि अगर आप लोग कमेंट करके नहीं बताओगे तो मुझे इससे पता नहीं चलेगा कि हाँ मेरे माइक लेने से कुछ फ़ायदा हुआ है या फिर कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। सो प्लीज़ गाइज, रिक्वेस्ट करता हूँ कमेंट में ज़रूर बताना कि क्या मेरे माइक लेने से मुझे प्रॉफिट हुआ है, मेरे वॉइस में चेंजेस आए हैं, क्लियरिटी में चेंजेस आए हैं या नहीं आए हैं। बाकी का अपडेट थोड़ी देर के बाद देता हूँ नीचे चल के। आई नो मैं दोपहर के बाद से डायरेक्ट अभी शाम में आ रहा हूँ और आए हुए मुझे काफ़ी देर हो गया, आई मीन ब्लॉग में आए हुए काफ़ी देर हो गया, दोपहर के बाद से कोई अपडेट मैंने आप लोग को नहीं दिया, जस्ट बिकॉज मैं ऑफिस पर था और काम थोड़ा ज़्यादा था। और हाँ, उसी बीच में मैं थोड़ा मार्केट भी गया था शॉपिंग करने के लिए, और शॉपिंग किस लिए करा, क्या करा, इसमें से कुछ भी मैं अभी नहीं बताने वाला हूँ, ये सब एक सीक्रेट है, बस इतना जान लो बहुत जल्द एक सेकेंड प्लेस पर जाने वाले हैं, बाकी का अपडेट उस दिन मिलेगी, अभी फ़िलहाल के लिए कुछ नहीं। और अभी जस्ट मैं आया हूँ घर, और घर आते ही अपना फेवरेट चाय, और हाँ मैं चाय चम्मच के साथ ही पीता हूँ, सो कमेंट करने से पहले ये चीज़ ज़रूर सुन लेना। और चाय के साथ है हमारा सबसे फेवरेट पार्ले जी बिस्किट, आपने सभी ने खाया होगा अपने अपने बचपन में, ऐसा कोई नहीं है जो नहीं खाया होगा। उस समय मिलता था आई थिंक 3 रुपये का, और अभी भी इसका रेट 3 रुपये ही है, अभी तक इसका 1 रुपया भी प्राइस नहीं बढ़ा है। और हाँ, आप में से किस किस को पसंद है कमेंट में ज़रूर बताना, घर नहीं भेजवाऊँगा इस बार, डोंट वरी, बट फिर भी बता देना।
बाकी का अपडेट देते हैं थोड़ी देर के बाद, थोड़ा रेस्ट करूँगा फिर करते हैं बाकी जो काम करना होगा। तो अभी टाइम हो रहा है 8 o'clock और हमारा डिनर आ चुका है, अब चलिए देखते हैं डिनर में क्या बना है। तो आज डिनर में बना है पराठा, आलू पत्ते गोभी की सब्जी, धनिया की चटनी और हमारा चाय। तो अब मैं चलता हूँ अपना खाना खाने और इसी के साथ मैं अपने आज के ब्लॉग को एंड करता हूँ। अगर मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, और अगर चैनल पे नए हो तो गाइस सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाकी का अपडेट नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेगा, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, गुड नाइट।